YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देव दीपावली के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। देव दीपावली, असुर तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुनमाली ने देवताओं को पराजित करने के लिए कठोर तप किया। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने इसे अस्वीकार करते हुए ऐसा वरदान मांगने को कहा जो कठिन हो, जिसे किसी और के लिए इन्हें मारना असंभव हो जाए। तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। हे प्रभु, आप हमारे लिए तीन अद्भुत नगरों का निर्माण करें। तीनों नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की शक्ति रखता हो, वही व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारे। तनी हमारी मृत्यु हो और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता हो जो बनाना असंभव हो। उनकी इच्छा सुन ब्रह्मा जी ने कहा तथा अस्तु। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युम्नमाली के लिए लौहपुरी का निर्माण करने को कहा। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद तीनों असुर सातों लोक में आतंक मचाने लगे। उन्होंने देवताओं को पराजित कर देवलोक से बाहर निकाल दिया। इन तीनों असुरों को कोई त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर इंद्र देवताओं सहित भगवान शिव की शरण में गए। उनकी पीड़ा सुनकर शिव जी ने त्रिपुरासुर का संहार करने का निश्चय किया। भगवान शिव ब्रह्मा जी द्वारा उन तीनों को दिए गए वरदान के अनुसार विशेष रथ पर सवार हुए। इस दिव्य रथ की एक एक चीज देवताओं से बनी थी। सूर्य और चंद्रमा से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चार घोड़े बने। हिमालय धनुष बने। शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने। बाण की नोक बने अग्निदेव। भगवान शिव और तीनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ और अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगरों के एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर तीनों असुरों का अंत कर दिया। तभी से भगवान शिव त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीन पुरों का, अर्थात नगरों का अंत करने वाले। भगवान शिव ने जिस दिन त्रिपुरांतक का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान शिव द्वारा
त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवताओं ने शिव की नगरी काशी में जाकर दीपक जलाए थे, इसलिए इसका नाम देव दीपावली भी पड़ा। अब इसका हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।